नमस्कार। तो जो मैं हमेशा आप सबको कह रहा था कि थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, डीम्ड का या एमसीसी का सीट मैट्रिक्स आने दीजिए। और भाई सीट मैट्रिक्स हर स्टेट का आएगा, क्योंकि राउंड वन में अलॉटमेंट स्पेशली जहाँ फ्री एग्जिट होता है, और मैं सीधा हिंदी भाषा में बोलता हूँ, मजाक चलता है तो लोग भर देते हैं। और यही कारण था कि भारत और सत्यासाई जैसे कॉलेजों का भी फुल अलॉटमेंट हो गया था। लेकिन जो रिपोर्टिंग हुई है, और वो रिपोर्टिंग भी सीरियस वाली, देखिए रिपोर्टिंग भी दो तरह से होती है, फ्रीज़ वाली और अपग्रेड वाली। कई लोगों ने फ्रीज़ कराया, कई लोगों ने अपग्रेड के लिए डाला है। अभी जो हमने सामने रखा हुआ है, वो रखा हुआ है जिन्होंने एटलीस्ट रिपोर्ट कर दी है, जिसको एमसीसी की भाषा में बोलते हैं क्लियर वैकेंसी। वर्चुअल वैकेंसी वो होती है कि जो बंदा गया, क्योंकि एमसीसी में आपको स्पेशली बोलना पड़ता है ना कि मैं अपग्रेड के लिए जाऊँगा, और वो जो कॉलेज वाले होते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर बटन दबाते हैं। तो मैं हमेशा समझाता हूँ, लोग इसमें भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर हम यूपी रिपोर्टिंग करने गए थे, वहाँ तो कोई ऐसा बटन उन्होंने दबाया ही नहीं है, पंजाब में दबाया ही नहीं या हरियाणा में दबाया ही नहीं। तो ये एमसीसी का सॉफ्टवेयर काफ़ी डेवलप्ड है, तो एमसीसी में जैसे आपके पास लॉगिन है वैसे कॉलेज वालों के पास ही होता है ना, तो इसलिए वो आपसे पूछते हैं कि क्या आप अपग्रेड के लिए जाओगे, हाँ या ना, और वहाँ से वो अपना एक बटन दबाता है। यूपी शूपी में कोई बटन नहीं, पंजाब में उसमें सब कुछ है कि भर अगर बैठोगे तो मतलब कि तुम अपग्रेड के लिए जा रहे हो, सेकेंड राउंड में नहीं बैठोगे तो मान के चलेंगे तुमने फ्रीज़ कर लिया। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने वीडियो शायद कल सुबह दिया था जब ये मैट्रिक्स नहीं आया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, और शायद वही चीज़ फिर से प्रूफ होगी जो मैंने आपको नॉर्थ साउथ इंडिया का डिवाइड बताया था, या मैंने आपको ये बताया था कि क्यों कुछ कॉलेजों का कट ऑफ बेटर रहता है, चाहे वो कॉलेज उतने शानदार ना हो, विद ड्यू रिगार्ड्स। और राउंड वन से साबित होता है कि जो सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग है या सबसे कम जो क्लियर वैकेंसी है, वो तीनों MGM के कैंपस में है, और जो सबसे नया कैंपस है MGM वाशी, उसमें सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं वही आपको जो कल समझाया था सेम बात मैं करता हूँ, और वही मैं सब कैंडिडेट्स को, चाहे वो मेरे क्लाइंट हैं या नहीं हैं, इस वीडियो के माध्यम से मेरा वही पर्पज़ रहता है कि सिर्फ कट ऑफ देख के, बहुत सारे डायनामिक्स हैं जो प्ले कर रहे हैं जो आपको नहीं पता। आप यूपी में रहने वाले हो, आप खुशी से कर्नाटका जाने को तैयार हो, आप बिहार के रहने वाले हो, आप खुशी से पौंडेचेरी जाने को तैयार हो, पर एक महाराष्ट्रियन भी चाहेगा, मजबूरी होगी। लेकिन हर जगह पर कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ के जितने भी स्टेट्स हैं, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ पर ज़्यादा कॉलेजेस हैं, और बहुत ज़्यादा है भी नहीं, इतने बड़े राजस्थान में खाली 7 ही तो प्राइवेट कॉलेज हैं, हरियाणा में भी 5-6 हैं, हिमाचल में 1 ही है, उत्तराखंड में 3 ही है, यूपी है जो 31, जिसमें से 5 माइनॉरिटी में, तो 26 बचे। बट इनमें फिर भी एक फ़ायदा है कि कहीं पर भी ना कैटेगरी के लिए फ़ीस माफ़ नहीं है, इन पांचों स्टेट में पूरा पैसा फीस ली जाती है। पर जैसे ही आप महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जाना शुरू करते हो, साउथ में जाना शुरू करते हो, SC ST के लिए शायद आपको पता ही नहीं है फ़ीस माफ़ होती है। तो महाराष्ट्र का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, पहले सरकारी कॉलेज ख़त्म हुए, प्राइवेट स्टार्ट हुए। अब प्राइवेट में जनरल की फ़ीस भी रीज़नेबल है, 10 लाख, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि SC ST तो बिल्कुल फ्री है, फ्री, दैट मीन्स उनको किसी को ना फीस सीट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट यूपी में क्या होता है कि एंड वी डू रिकॉर्ड्स, देखिए हम किसी को SC ST या जो SC ST क्लासिफिकेशन इंडिया में, वो इसी वजह से तो है ना कि थोड़े से वो पिछड़े हुए हैं, तो फिनेंशियली भी पिछड़े हुए हैं। सो मोस्टली एक शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लोग प्राइवेट सीट कम ही अफोर्ड कर पाते हैं, खासकर पूरी फीस दे के 70-75 लाख, करेक्ट। OBC में तो बहुत चलता है, लेकिन जेन्युइन जो एससी होंगे उनके पास उतना पैसा नहीं होता। अब यूपी में या हरियाणा में कहने को रिजर्वेशन है, हरियाणा की आधे सीटों के अंदर फिर SC ST की रिजर्वेशन है, बट फीस तो उन्हें पूरी देनी पड़ती है ना, तो चूंकि वो पूरी फीस दे नहीं पाते इसलिए उनकी सीट कन्वर्ट के नॉर्मल सीट बन जाती है, और अनरिजर्व वाले 72-75 लाख का पैकेज लेके वो ले लेते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश में है, वहाँ तो खैर प्राइवेट सीट्स में कोई रिजर्वेशन है ही नहीं, राइट, तो सारी की सारी सीटें सबके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इस तरह के बहुत सारे स्टेट्स में कैटेगरी की तो फ्री पढ़ाई है। तो अगर आप 400 नंबर जनरल कैटेगरी हो महाराष्ट्र में, आपके लिए कोई कॉलेज नहीं है नॉर्मल फीस का, फिर सीधा जो वहाँ पर वो IQ कोटा चलता है वो होता है 30-30 लाख फीस का, 28 लाख फीस का। तो इन सब के लिए जो सबसे बड़ा वरदान है वो है MGM, क्योंकि देखिए दत्ता मांगे के दोनों कैंपस हैं नागपुर में के तरफ, 125 करोड़ के पड़ते हैं, भारतीय विद्यापीठ के दोनों कैंपस 125 के पड़ते हैं, DY पाटिल के और महंगे पड़ते हैं कोल्हापुर को छोड़ के, तो PIMS लोनी के अलावा, और कृष्णा कराड़ भी बहुत महंगा है। तो MGM सबसे सस्ती और ठीक ठाक और बढ़िया ऑप्शन है महाराष्ट्रियंस के लिए। और MGM नवी मुंबई या वाशी और सबसे ज़्यादा क्यों चलता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही जो प्रॉस्पेरस बॉम्बे पुणे बेल्ट है, 400 नंबर आपके बच्चे के आए, 350 नंबर आए, 380 नंबर आए,
आप सोचते हो बच्चा लोकल शहर में पढ़ लेगा, बॉम्बे के बॉम्बे रह लेगा। तो इसलिए MGM की रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हुई हैं, जेलन बेलागावी से भी ज़्यादा है, कस्तूरबा से भी ज़्यादा है। लेकिन कस्तूरबा में इसलिए नहीं होती कि जो राउंड वन में कस्तूरबा जिन्होंने भरा होगा उनको अक्सर अपने राउंड वन में स्टेट्स में सरकारी सीट मिल गई होगी। तो लोगों को ना महीना पहले पता नहीं होता, जो हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि सब्र करो आप देखोगे। तो राउंड वन में जो कस्तूरबा भरते हैं ऊपर के मार्क्स वाले 580 590, उन सबको अपने स्टेट से सरकारी सीटें मिलने लग गई, तो उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं करा कस्तूरबा के राउंड वन में, और वो बल्कि रिपोर्टिंग कम है और MGM की रिपोर्टिंग फुल है, क्योंकि वो उसको टारगेट करता है या वो जो सेगमेंट होता है टिपिकल महाराष्ट्रियन जिनके लिए ये सबसे बढ़िया सौदा है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अमृता ने कमाल कर दिया, मैंने आपको कहा था सिर्फ 12 लोगों ने रिपोर्ट नहीं करा, NRI अभी भी उनके पास अमृता फरीदाबाद में बची हुई हैं 20 सीटें आउट ऑफ 23, लेकिन 23 तीन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन जो नॉर्मल 127 सीटें थी आप सोचिए 121। और मैंने अपने क्लाइंट्स को बताया, क्योंकि मेरे कुछ अमृता के ही बेचारे चाहने वाले हैं, कि बिल्कुल अगर ऑल इंडिया रैंक 200,000 लास्ट टाइम ख़त्म हुआ था सो 220,000 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि कई लोग हैं ऊपर की तरफ जो फ़िलहाल जिनको मुलाना वगैरह था। और चूँकि मैंने बताया अमृता फरीदाबाद अब ईयर वन से ही नॉर्थ इंडिया का फेवरेट बन गया है, जिस तरह MGM वाशी ईयर वन में ही मुंबई का फेवरेट है, क्योंकि उनको पता है, वो MGM ग्रुप को जानते हैं, उन्हें पता है कि ये इस कॉलेज का पहला साल, जो मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, और किसी नए ब्रांड के नए कॉलेज के पहले साल में बहुत फ़र्क है। तो क्योंकि नारायणा कानपुर नया आता है, वेंकटेश्वरा गजरौला नया आता है, वर्ल्ड झज्जर नया आता है, उसके मुकाबले MGM वाशी में आता है। वो भी लोकेशन देखिए ना आप, वाशी तो बल्कि जो उनका पुराना कॉलेज है नवी मुंबई, वो पनवेल में है, वो बाहर पड़ता है। वाशी तो जैसे कहते हैं मज़ा आ गया बॉम्बे के रहने वाले के लिए, बच्चा लोकल ट्रेन में चला जाएगा, ऑफकोर्स वो हॉस्टल में रख लेंगे और सब कुछ कर कुरा के भी पैकेज पड़ता है 1 CR का MGM में, तो बहुत अच्छा सौदा है। तो कभी कभार इस वजह से कट ऑफ ऊपर चली जाती है, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, और कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको डिमांड कम घट दिखती है, शायद उनकी लोकेशन ख़राब है, शायद फीस बहुत ज़्यादा है, तो वेरियस थिंग्स प्ले करती हैं। तो मैं यही बात पर आपको समझाता हूँ, शायद ये साबित हो गया कि MGM ने छक्का मारा मुंबई लोकेशन की वजह से, और औरंगाबाद बाकी महाराष्ट्र के लिए इज़ नॉट अ बैड लोकेशन, इज़ अ बिग सिटी, और अमृता ने तो नॉर्थ इंडिया में चमत्कार कर ही दिया है। और पहले साल ही जो उसका, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कट ऑफ है जो हमें उम्मीद थी वो भी बहुत ऊपर है, हमदर्द बहुत ऊपर है, सिम्बी में मोस्टली रिपोर्टिंग है बिकॉज ऑफ फीस के चक्कर में। लोगों को पता है ना, जिन लड़कियों को सिम्बी मिला उन्हें पता है कि हमें और कुछ मिलना नहीं है, तो इसी को लेके ख़त्म करें, और फीस रीज़नेबल है। तो वही मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैनी थिंग्स प्लेस अ पार्ट जब हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं, और राउंड वन में जब हम कम रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं तो उन्हीं की रिपोर्टिंग सबसे कम है, सबसे सत्यासाई टाइप के जो कॉलेज थे लक्ष्मी नारायण पांडिचेरी वगैरह, इन सब की सीटें खाली पड़ी हैं। जो मैंने एक वीडियो पहला को बना के दिया था अपने 15 कॉलेजों का, तो वही सत्यासाई खुला अवेलेबल आपके लिए, लक्ष्मी पांडिचेरी खुला अवेलेबल है, राजश्री बेंगलोर इसलिए अवेलेबल है क्योंकि वही एक्सपेंसिव है, वो बेंगलोरियंस के लोग कर्नाटका में, मैंने कहा बहुत ऑप्शंस हैं, और राजश्री एक्चुअली फाइट करता है क्योंकि कर्नाटका में अदर देन प्राइवेट कॉलेजों में भी सरकारी सीटें हैं, 10 लाख की फ़ीस है चलो, लेकिन उसके अलावा जो वहाँ का IQ कोटा है, तो अगर आपको 22 लाख में MS रामिया मिल रहा है तो फिर मैं राजश्री के पैसे क्यों दूँ, ठीक है। तो एक वो कॉम्पिटिशन आ गया और वो सब छूट गया, तो अगर 1.6 में भी मुझे वैदेही लेना पड़ रहा है या BGS या अम्बेडकर या केम्पेगौड़ा लेना पड़ रहा है और सवा मुझे राजश्री के देने हैं, तो कई बार लोग सोचते हैं कि राजराजेश्वरी की बेसिकली, तो लोग सोचते हैं कि वही ले लूँ। तो नो, आप लॉजिकली साइकोलॉजिकली पता कर सकते हो कि किस किस की जो रिपोर्टिंग है वो कम हुई है, और पौंडेचेरी और तमिलनाडु में जिसकी रिपोर्टिंग हुई भी आप मान के चलिए, क्योंकि पहले से ही वो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है उन्होंने नेगोशिएटेड फीस की बात पहले ही कर ली है, और वो नेगोशिएटेड फीसेज में ही ज्वाइन कर रहे हैं, दैट आई कैन अश्योर यू। ओके, सो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, हमसे संपर्क करना चाहें, हमारी हेल्प लेना चाहें, कॉल अस ऑन 9643362320। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा यही काम है तो हम वो हेल्प फीस लेकर ही करते हैं। फ़ोन कॉल पे बात करने के 2500 रुपये, फेस टू फेस मीटिंग के 5000 रुपये, ये ओनली फर्स्ट मीटिंग की फ़ीस होती है, और उसके बाद अगर आप हमसे पूरा काम पूरी काउंसलिंग सर्विस करवा लेते लेना चाहते हैं तो उसके हिसाब से 30,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये प्लस GST का पैकेज बनता है, लुकिंग एट योर सर्कमस्टांसिस एंड कितना मुश्किल केस है हमारे लिए आपको एक बढ़िया सीट दिलाना। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।